स्टूडेंट, आज की हम क्लास क्लास में पढ़ेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी क्या निकाल लिया भाई, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं बिंदुवत आवेश क्या होता है, कि ऐसे आवेश होते हैं जिनकी विमा उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होती है, उन्हें बिंदुवत आवेश कहते हैं। यानी ऐसे आवेश होते हैं जिनकी विमा उनके मध्य की दूरी की तुलना में कैसी होती है, नगण्य होती है, उन्हें क्या कहते हैं, बिंदुवत आवेश, यानी पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो देखो, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर हम एक्स एक्सिस लेते हैं, धके लेते हैं वाई एक्सिस, ये सब क्या है, मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को लेते हैं हम ओ, इसका मूल बिंदु क्या है ओ, जिस पर एक बिंदुवत आवेश यानी पॉइंट चार्ज देते हैं हम प्लस क्यू, जिस पर क्या रखते हैं बिंदुवत आवेश। हमने कहा है कि बिंदुवत आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मूल बिंदु ऊपर क्या लिया, विद्युत एक बिंदुवत आवेश ले लिया प्लस क्यू, मूल बिंदु पर क्या लिया हमने, बिंदुवत आवेश प्लस क्यू। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु लेते हैं पी, ए मूल बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे स्मॉल आर दूरी पर क्या लेते हैं बिंदु पी, जिस पर क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। उसके लिए यहां पर एक प्रेक्षण आवेश रखते हैं हम क्यू नॉट, उसके लिए यहां पर क्या रखते हैं प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट। तो हमने कहा कि मूल बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर क्या लिया हमने बिंदु पी, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहां पर हम क्या लेते हैं, प्रेक्षण आवेश लेते हैं क्यू नॉट। आप देखो, हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता व्यक्त करनी है कि दिशा किस साइड होगी, तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा उस विद्युत बल की दिशा के समान होती है। यानी जिस दिशा में विद्युत बल कार्य करता है उसी दिशा में क्या कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो देखो, ये प्लस क्यू है, यहां पर एक प्रेक्षण आवेश है, ये भी प्लस है, तो इनके कारण कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षित, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो बल कहां लगेगा, बाहर की ओर, बल कहां लगेगा, बाहर की ओर। जब यहां पर बिंदु पी पर बल बाहर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी कहां होगी, बाहर की ओर, फिर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। आप जब इसकी भाषा है या लैंग्वेज लिखते हैं, कि देखो भाषा कैसे लिखते हैं, कि चित्र अनुसार मूल बिंदु ऊपर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, चित्र अनुसार मूल बिंदु ऊपर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। हमने कहा इसकी भाषा के लिए कि चित्र अनुसार मूल बिंदु ऊपर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ऐसे इसकी हम कह सकते हैं भाषा ले सकते हैं। तो हमने कहा था बिंदुवत आवेश के कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी हमने देखो पिछली क्लास में पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E=F/N कितना होता है, क्यू। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, स्थिर विद्युत बल, यानी दो आवेश के बल में क्या निकालना है, स्थिर विद्युत बल, और स्थिर विद्युत बल किसके नियम से निकालते हैं, कूलम्ब के नियम से। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू व क्यू नॉट आवेश के मध्य क्या निकालते हैं, बल। तो प्लस क्यू व क्यू नॉट आवेश के मध्य बल, आप बल किसके नियम से निकालते हैं भाई, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से। तो देखो कूलम्ब के नियम से हम पढ़ चुके हैं कि कूलम्ब का नियम क्या होता है, F=F क्या होता है, के Q1 Q2 अपन कितना होता है, R2। यानी कूलम्ब के नियम से बल का फॉर्मूला क्या होता है, F के Q1 Q2 अपन कितना होता है, R2। तो देखो Q1 की जगह क्या होता है Q, और Q2 की जगह क्या लेते हैं यहां पर, Q0, और दूरी कितनी यहां पर, R2। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q0 अपन कितना हो गया, R2। तो ये प्लस क्यू व क्यू नॉट आवेश के मध्य क्या निकल गया, स्थिर विद्युत बल या बल किसके नियम से, कूलम्ब के नियम से, F=K Q Q0 अपन कितना हो गया, R2। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से।
परिभाषा से। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन कितना होता है क्यू नॉट, ई इक्वल टू एफ अपॉन कितना होता है क्यू नॉट, समय के से किसका मान रख देते हैं यहां पर एफ का। तो हम रखते हैं भाई समीकरण एक से एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर, तो देखो समीकरण एक से एफ का मान रखते हैं तो इसकी जगह एफ रखते हैं तो ई इक्वल टू कितना होगा, ई इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपन कितना हो गया आर स्क्वायर अपन कितना देंगे क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ गया भाई ई इक्वल टू के क्यू अपन कितना हो गया आर स्क्वायर। तो यह बिंदुवत आवेश के कारण क्या निकल गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होती है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला क्या आ गया ई इक्वल टू के क्यू अपन कितना हो गया आर स्क्वायर। अब यदि इसका हम सदिश निरूपण करें या सदिश रूप लिखें तो कैसे लिखेंगे सदिश निरूपण या इसका सदिश रूप लिखें, तो देखो सदिश रूप के लिए क्या करते हैं ई के ऊपर क्या लगा देंगे वेक्टर, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो क्या लिख दिया हमने ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया के क्यू अपन कितना हो गया आर स्क्वायर, और यहां पर क्या करते हैं एकांक सदिश या स्थित सदिश के एकांक सदिश का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश निरूपण। अब देखो इसके बाद में क्या करना है हमें क्या हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वे दूरी आर के मध्य क्या बनाते हैं आरेख या ग्राफ बनाते हैं, यानी ई वे आर के मध्य आरेख, ई वे आर के मध्य आरेख। देखो जब ई वे आर के मध्य आरेख बनाते हैं तो हम देखते हैं संबंध यहां पर ई वे आर के मध्य संबंध कैसा है भाई बीजकोणपाती का संबंध है, और जब भी बीजकोणपाती का संबंध होता है तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली बनता है, तो हम क्या करते हैं भाई इधर लेते हैं हम क्या आर, इधर क्या लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जी। आप देखो इधर इसके लिए क्या बना कैसे ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियली, यानी संबंध क्या होता है ई बीजकोणपाती कितना होता है आर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब जब आर का मान कम होगा तो ई का मान कैसा होगा अधिक, और जब आर का मान बढ़ाते जाएंगे तो ई का मान कैसा होता जाएगा कम, इसलिए ग्राफ बन गया एक्सपोनेंशियली, ये हो गया ई वे आर के मध्य आर। यदि हमसे कहा जाए कि ई वे बना पुनः आर के मध्य आर बनाइए, यदि किसके मध्य आर पूछे भाई हमसे ई, यदि आर पूछे हमसे ई वे बना पुनः आर के मध्य, ई वे बना पुनः आर के मध्य आर, तो देखो यदि हम क्या करें आर की जगह कितना करते हैं बनपोन आर, तो यहां पर बनपोन आर रखते हैं तो आर का चला जाएगा इससे ऊपर, तो ई और आर के मध्य संबंध कैसा होता है समानुपाती का, और जब समानुपाती का संबंध होता है तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है सीधी रेखा, तो यहां पर हम ई लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर क्या लेते हैं दूरी आर, तो उनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा सीधी रेखा, ये संबंध करेंगे ई समानुपाती क्या हो जाएगा आर। तो ये निकल गया अपने पास बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या किया हमने एक्स अक्ष वाई लिया उनके मूल बिंदु ओ पर एक बिंदुवत आवेश लिया प्लस क्यू जिससे स्मॉल आर दूरी पर क्या लिया हमने बिंदु पी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पर एक प्रेक्षण आवेश दिया हमने क्यू नॉट, हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो कि विद्युत बल की दिशा होती है, हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की वही दिशा होती है जो किसकी होती है विद्युत बल की दिशा होती है, तो यह भी प्लस क्यू आवेश है, यह भी कैसा है प्लस परीक्षण आवेश है, तो इसके कारण प्रतिकर्षण करेंगे इसको तो बल कहां लगेगा बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होती है बाहर की ओर। अब यदि इसकी हम भाषा लिखे तो देखो सिंपली भाषा कैसे ले सकते हैं, हमने दिखाया कि चित्रानुसार मूल बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, या चित्रानुसार मूल बिंदुओं पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ये इसकी भाषा होगी। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, तो बल हम निकालेंगे प्लस क्यू पर क्यू नॉट आवेश के मध्य, तो हमने लिखा प्लस क्यू पर क्यू नॉट आवेश के मध्य बल निकाला किसके नियम से कूलम्ब के नियम से, फॉर्मूला होगा भाई एफ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ई इक्वल टू कितना होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, हमने क्या कहा समीकरण एक से किसका मान रख दिया एफ का, तो हमने समीकरण एक से एफ का मान रखने पर तो एफ का मान रख दिया भाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया ई इक्वल टू कितना आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बिंदुवत आवेश के कारण क्या निकल गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि इसका सदिश निरूपण करते हैं तो एकांक सदिश का क्या करते हैं गुणा, तो एकांक सदिश का गुणा करने से फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एकांक सदिश की वैल्यू कितनी होती है एक होती है, ये क्या हो गया था सदिश निरूपण।
इसके बाद में हम से आगे भाई ई और आर के मध्य रिलेशन देखते हैं कि ई में आर के मध्य कैसे संबंध है व्युत्पन्नपाती का। तो ई में आर के मध्य क्या बनाते हैं, आर एक बनाते हैं, तो हम कैसे ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियली, क्योंकि जब आर का मान कम होता है तो ई का मान कैसे होता है अधिक, और जब आर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ई का मान कैसे होता जाता है कम होते जाता है। तो ये बन गया ई में आर के मध्य आरे। यदि हमसे कहा जाए कि ई में बनापन आर के मध्य आरे बनाइए, तो देखो भाई यदि हम बनापन आर ले तो आर स्क्वायर का कितना रखिए, बनापन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का चल जाएगा ऊपर या आर का चल जाएगा ऊपर, तब ई में आर के मध्य कैसा संबंध होता है समानुपाती का। और हम जानते हैं समानुपाती के सिंह के लिए अपने पास आर का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज की इस क्लास में बिंदु का ताप इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।